हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए, क्लास इलेवंथ में टर्म टू के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलेबस में आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसका आज हम आपको सिक्स्थ वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आज डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल से रिलेटेड हम पहले आपको रूल्स बता चुके हैं फिफ्थ वीडियो में, पाँच वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, ये सिक्स्थ वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उनको पहले देख लें क्लास इलेवंथ की प्लेलिस्ट में जाकर के, क्योंकि थ्योरिटिकल बेस वहाँ पर इसका क्लियर करा गया है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसऑनर ऑफ बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से मेन क्वेश्चंस आपके शुरू होते हैं। और इसमें अक्सर बच्चों को परेशानी रहती है कि अगर बिल रिटेन किया हो तब डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा, अगर हमने डिस्काउंट करा रखा है फिर डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा, एंडोर्समेंट के केस में क्या होगा, सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन में क्या होगा। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, तो हम आपको सभी तरह से करके दिखाएंगे। लेकिन हम फिफ्थ वीडियो में आपको बता चुके हैं कि सबके एंट्री करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, रूल्स हैं जो हमने बताया था, उनसे एंट्री बनेगी। तो आपको अलग अलग एंट्री याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, आज हम आपको करा रहे हैं डिसऑनर ऑफ बिल रिटेन्ड, और इसके बाद में आज ही आपको कराऊंगा डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। तो दो टॉपिक हम आज कवर करेंगे, और आप देखिए कि कुछ आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, केवल समझना है। जो मैं पहले बता चुका हूँ उसी के हिसाब से मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन है कि X sold goods to Y for 55,000 on 12th June 2021. Y paid 5,000 in cash immediately and accepts a bill for the rest for 3 months. X ने Y को गुड्स बेची 55,000 रुपए की, 12 जून 2021 में Y ने 5,000 रुपए फौरन दे दिए, 50,000 रुपए का बिल 3 महीने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। ड्यू डेट पर Y fails to honor the bill and the bill was dishonored. ड्यू डेट पर Y पैसा नहीं दे पाया और बिल डिसऑनर हो गया, और एक्स को 200 रुपीज नोटिंग के भी पे करे एक्स ने। तो आपसे पूछा गया कि आप इसकी जर्नल एंट्री करके बताइए। तो देखिए कैसे होगी एंट्री। सबसे पहले देखिए डेट क्या है, 2021 जून 12। तो क्या करा एक्स ने, गुड्स बेची, तो क्या करेगा, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो सिंपल एंट्री है, और इसमें आप लिख दें 55,000 रुपीज इसने बेचा, इसने परचेज किया है 2021 जून 12, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 55,000। यह सेल परचेज की सिंपल एंट्री। अब क्या लिखा आगे कि वाई पेड 5,000 इन कैश इमीडिएटली एंड एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 3 मंथ। अब क्या हुआ कि वाई ने 5,000 रुपये तो तुरंत दे दिए, अब बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट किया। तो इसके बाद जो पैसा तुरंत आ गया उसके लिए करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, 5,000 रुपये कैश आ गई इसके पास तो वो बैंक पे लिख दें, और 50,000 रुपये बाकी रह गया वो बिल हो जाएगा, टोटल 55 का हिसाब इसका कैंसिल। देखिए जून 12 में ही ये करेगा एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बीपी, यानी कि बिल्स पेबल अकाउंट। इसके लिए पेबल है, इसके लिए रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेबल। तो 55,000 टोटल देने हैं, 5,000 कैश दे दी, 50,000 का बीपी एक्सेप्ट कर लिया। जो हम यहाँ बैंक लिख रहे हैं, कुछ लोग इसको कैश लिखते हैं, तो आप कैश भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप कैश लिखना चाहते हैं कैश लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे क्वेश्चन में या तो बैंक ही यूज करना है कैश, ऐसा नहीं कि कहीं बैंक कहीं कैश, वो ठीक नहीं लगेगा। तो ये देखिए, इनिशियल एंट्री जब तक आप करते हैं वो गई सेल परचेज और बिल ड्रॉ कर लीजिए। ऑन ड्यू डेट वाई फेल्स टू ऑनर द बिल एंड द बिल वॉज डिसऑनर्ड। अब ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया, तो आप पहले ड्यू डेट निकालिए। बिल 3 महीने का है, लिखा कब क्या है, जून 12 में, तो जून से 1 महीने बाद क्या आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, 1 महीने बाद जुलाई फिर अगस्त फिर सितंबर, 3 महीने बाद सितंबर 12 और 3 15। तो यहां पर आइए सबसे पहले और सितंबर 15 लिखे। देखिए, डिसऑनर होने पर रूल क्या बताया था हमने आपको पिछले वीडियो में, कि डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। तो डिसऑनर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑब्वियसली वाई ही होगा, क्योंकि वाई ने पे करना तो नहीं कर पाया, तो डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो वाई डेबिट। क्रेडिट द पर्सन होल्ड्स द बिल, जो बिल होल्ड कर रहा है उसको क्रेडिट करिए, तो बिल तो एक्स के पास है ये होल्ड कर रहा है, तो 2x तो नहीं लिख सकते क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखे गए। तो क्या बताया था कि क्रेडिट
द पर्सन हु होल्ड्स द बिल और क्रेडिट बी आर इफ द बिल इज रिटेन्ड। तो बिल रिटेन क्या हुआ है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू बी आर अकाउंट। तो बिल कितने का है, 50,000 रुपये का। लेकिन अभी देखिए इसमें एक और बात है कि क्या लिखा है कि एक्स पे 200 इज नोटिंग चार्जेस, एक्स को 200 रुपये नोटिंग चार्जेस देने पड़े। इसका ट्रीटमेंट क्या बताया था आपको कि अगर नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर ने पे किया है, ड्रॉवर ने जिससे बिल लिखा है, यानी कि जिसके पास बिल है, अगर इसने किसी और को दिया होता है, एंडोर्स क्या होता है जो आगे आएंगे भी, तो उस केस में अगर वो बंदा देता तो जो पे करेगा वो यहाँ टू कैश या टू बैंक वर्ड लिखेगा, ठीक है। तो इसने तो खुद ही पे किया है, तो यहाँ लिख दीजिए आप टू बैंक अकाउंट 200 रुपीज नोटिंग के, 50,200 रुपीज। अगर ये किसी और ने किया होता पे, जैसे एंडोर्स के केस में, तो फिर ये जोड़ देता है इसमें, वो खैर जब आगे आएगा तब आप उसको देखना, जो बिल नोटिंग का पेमेंट करता है वो यहाँ पर टू बैंक लिख देना उसके लिए, बिल में जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखिए सेप्टेम्बर 15 में इसने क्या करना है, बीपी अकाउंट डेबिट, इसके लिए हमेशा एक ही एंट्री रहेगी, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये हो जाएगा 50,000 का बिल है, 200 नोटिंग है, 50,200, यही एंट्री होंगी। अब इसमें ये नहीं बोला है कि जो पैसा अब ये उसके ऊपर ड्यू हो रहा है 50,200 रुपये, इसका बाद में पेमेंट करा कि नहीं करा। अगर बोला होता है तो बोझ कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं कि 10 डेज लेटर वाई पेड द अमाउंट ड्यू, तो फिर आप सितंबर 15 से 10 दिन में आ गया है, 25 सितंबर, 12 दिन बोला था 27, 15 दिन बोला था 30, या जितने भी दिन बोला वो ऐड करके आ जाए। और फिर सबसे पहले यहाँ लिखना आप बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहाँ पर लिख देना आप एक्स डेबिट टू बैंक, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बोला तो इतना ही रहेगा। तो देखिए डिसऑनर ऑफ बिल रिटेन, ये एक क्वेश्चन हो गया, इसको अच्छी तरह से देख लें आप। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए डिसऑनर ऑफ बिल का सेकेंड टॉपिक आज का, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, ये भी बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या करना है, पहले आपने बिल वही परचेज एंड सेल होगी गुड्स, बिल लिखेंगे, उसके बाद आप बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएंगे, यानी कि ड्रॉअर होगा, ड्रॉअर को भी इमीडिएट नीड है कैश की, तो उसने क्या करा, बैंक से बिल डिस्काउंट कराया और अपना पैसा ले लिया। अब क्या होगा कि ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया, तो ये पहले तो आप डिस्काउंटिंग वाली एंट्री कर लेंगे सिंपल तरीके से। फिर जब डिसऑनर होगा तो वही रूल जो हमने आपको अभी बताए या पीछे भी समझा रखे आपको फिफ्थ वीडियो में, उसमें आप देख लें, और जो मैंने अभी बताया वही रूल चलेगा बिल्कुल, कि डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर, क्रेडिट द पर्सन होल्ड्स द बिल, उसी के हिसाब से हम एंट्री इसमें भी करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसी खास मुश्किल बात इसमें भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और बिल्कुल रूल के हिसाब से मैं आपको एंट्री बताता जाऊंगा, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 70,000 एंड 12th August 2021, बी पेड 10,000 इमीडिएटली एंड एक्सेप्ट ए बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 4 मंथ। ए ने 12 अगस्त को गुड्स बेची बी को 70,000 रुपये की, बी ने 10,000 रुपये फौरन दे दिए, 60,000 रुपये का 4 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया। ए को जरूरत थी तो ए ने 12 सितंबर में बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 6% पर एनएम के रेट से। ड्यू डेट पर बी बिल का पैसा नहीं दे पाया, बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस हुए 500 रुपीज। 12 दिन के बाद बी ने अपना अकाउंट क्लियर कर दिया ए को पैसा चेक दे करके, तो आपको जगह एंट्री करके दिखानी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में तो शुरू में तो वैसे ही जैसा पहले होता है, क्योंकि ट्रेड बिल है तो कुछ परचेज एंड सेल के बाद ही लिखा जाएगा। तो 2021 अगस्त 12, तो इसमें गुड्स बेची है पहले, तो क्या करेगा ये, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये गुड्स इसने बेच दी, कितने की बेची, 70,000 रुपीज की। इसने परचेज किए हैं तो डेट डाले 2021 और अगस्त 12, एंट्री लिखें परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, ये 70,000 की गुड्स परचेज कर रहे। अब ये इनिशियल एंट्री होगी परचेज एंड सेल की। उसके बाद क्या हुआ कि बी ने 10,000 रुपये दे दिए नगद और बाकी 60,000 के लिए कर लिया बिल एक्सेप्ट। तो ये क्या एंट्री करेगा, देखिए डेट तो यही रहेगी, ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, इसके बाद 10,000 रुपये नगद आएंगे, 60,000 का बिल मिलेगा, इसे 70,000 बी का अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ये क्या करेगा, ए को करेगा डेबिट, डेट वही रहेगी, ए डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,000 रुपये इसके पास से जाएगा टू बी पी बिल्स पेबल, ये इसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। 70,000 रुपये देने हैं, 10,000 नगद दिए, 60,000 का
बिल। तो यहाँ तक कुछ चेंज नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही इसमें भी है। अब जो मैं आगे एंट्री करूँगा वो भी चेंज है, वो हमने आपको पहले वीडियोज में बताई दिया सिंपल तरीके से बिल्कुल होगी। अब क्या लिखा है देखिए, ऑन 12 सितंबर ए डिस्काउंट द बिल थ्रू इस बैंक एट 6% पर एनम। देखिए जब भी बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया जाए तो आपको ध्यान रखना होगा कि डिस्काउंटिंग का जो रेट है 6%, 5%, 2% उसके साथ पर एनम वर्ड लगाए कि नहीं लगाए। यहां तो देखिए लगा हुआ है 6% पर एनम, ठीक है, ये वर्ड लगा हुआ है 6% पर एनम। तो जब पर एनम वर्ड लगा हुआ है तो आपको इसका मतलब ये होता है कि 6% ये साल का डिस्काउंट है पूरे। तो आपने जितने महीने पहले पैसा लिया बैंक से आप उतने ही महीने के लिए डिस्काउंट निकालें और उसको लिखें, ठीक है। और अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा तो चाहे बिल एक महीने का हो, दो, तीन, चार, कितने भी महीने का हो, आपको महीनों से मतलब ही नहीं, आपको 6/100 सीधा कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तो पर एनम वर्ड है तो आपको महीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप डिस्काउंट देखिए कैसे निकलेगा, बिल 60,000 का है, 6% डिस्काउंट का रेट है, 4 महीने के लिए बिल लिखा गया, ठीक है ना। देखिए लिखा एक्सेप्ट से बिल फॉर 4 मंथ, लेकिन बिल कब लिखा था, 12 अगस्त में, डिस्काउंट कब करवाया, 12 सितंबर में, तो 1 महीने तो अपने पास रख लिया, तो वो 1 महीना आप माइनस कर दें, ठीक है ना, 12 हो गया, तो ये आपका हट गया और ये बन गया 3/12। ये जो है 4 महीने का बिल था लेकिन 1 महीने इस बंदे ने, ए ने अपने ही पास बिल को रखा, तो वो तो महीना अपने पास ही रख लिया, बैंक से तो लिया नहीं पैसा। तो बैंक से कितने महीने पहले लिया उसने, 4 महीने से 3 महीने पहले। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, 2 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 300, 3 3 900, 900 रुपये डिस्काउंट बना। तो 900 रुपये डिस्काउंट पर ये बिल हो जाएगा इसका। तो अब आप यहाँ लिखिए डेट चेंज करनी पड़ेगी आपको, सेप्टेम्बर 12, ये लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। देखिए बिल है 60,000 का, 900 रुपये हुई डिस्काउंटिंग इसकी, 59,100 इसके अकाउंट में बैंक जमा कर देगा। इस बात की करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बीच में ये क्या कर रहा है, अपने पास रखा है, बैंक से डिस्काउंट कराया है या किसी को एंडोर्स किया कलेक्शन के लिए, इसको कोई मतलब नहीं, इससे तो ड्यू डेट पे पेमेंट करना है ना, ये तो तब करेगा जब ड्यू डेट आ जाएगी, तो अभी इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये इसने पैसा ले लिया। अब चलिए ड्यू डेट की तरफ आते हैं। तो क्या लिखा है, ऑन ड्यू डेट बी फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ बिल एंड द बिल वॉज डिसऑनर्ड। अब ड्यू डेट पर बी बिल का पैसा नहीं दे पाया, बिल डिसऑनर हो गया। अब देखिए फिर उसी रूल से, पहले तो आप ड्यू डेट निकाल लें, अगस्त में लिखा है तो 4 महीने का मिलता था, अगस्त से सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर 12 और 3 15, तो दिसंबर 15 में आप आइए। देखिए फिर वही रूल जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। तो रिस्पॉन्सिबल तो बी है क्योंकि इसी ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, बी डेबिट टू क्रेडिट द पर्सन हु होल्ड्स द बिल। तो बिल किसके पास है, बिल तो इस बार बैंक के पास है, तो टू बैंक कर दीजिए आप। अच्छा अब नोटिंग चार्जेस है, कितने नोटिंग चार्जेस, 500 रुपीज़। तो देखिए नोटिंग चार्जेस का रूल बाय डिफॉल्ट जब कुछ बताया नहीं होगा तो ये रूल होगा कि जो होल्डर होगा वो बिल देगा, वो पे करेगा नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ होल्डर कौन है, ये तो है नहीं होल्डर, इसने तो बिल बैंक को दे दिया, तो बैंक होल्डर है, तो इट मीन्स बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे कर दी होगी। तो जब नोटिंग चार्जेस इसने पे नहीं करी, बैंक ने करी, किसी थर्ड पार्टी ने करी, तो ये क्या करेगा, पेमेंट की एंट्री नहीं दिखाएगा, उसको जोड़ देगा बिल के अमाउंट में। तो ये 60,500 यहां पर लिख देगा, ये इसका डिसऑनर की एंट्री होगी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड और न्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस रुपीज 500। ये आप नरेशन बना देना, दिसंबर 15, ये क्या करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। इसके लिए वही एंट्री रहने वाली है, इसको कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत है, हमेशा यही एंट्री रहती है डिसऑनर के लिए इसकी। ये बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग की भी एंट्री हो गई। 12 डेज लेटर बी क्लियर हिज अकाउंट बाई पेइंग चेक। 12 दिन के बाद बी ने अपना अकाउंट क्लियर कर दिया, 15 और 12 27, तो दिसंबर 27 इसके पास पैसा आ जाएगा, चेक दे दिया उसने, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 60,500 रुपये, 60,500 रुपये। यहाँ भी लिखिए आप दिसंबर 27 ए डेबिट टू बैंक, ये बैंक से इसको चेक भेज देगा अपना 60,500 रुपीज़ का। तो ये बच्चों आपका डिसऑनर का भी
ट्रीटमेंट, डिसऑनर डिस्काउंटिंग जो बिल डिस्काउंट करवाया था उसका भी ट्रीटमेंट हो गया कि डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। तो दो टॉपिक हो गए, डिसऑनर बिल रिटेन्ड, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। इनको अच्छी तरह से देखिए, समझिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में जाकर के हमें बताइए, हम उसको आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, इसमें जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको नेक्स्ट जो इसके टॉपिक है डिसऑनर के वो बताएंगे। और वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को।